सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं इस वाली वीडियो में ना ही कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, बल्कि जिस मटेरियल से मैं ड्रॉ करता हूँ सारे मटेरियल आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस सारे आर्ट मटेरियल के बारे में आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो कौन से मटेरियल कौन कितने प्राइसेस के हैं और कौन से मटेरियल अच्छे हैं और कौन से आपको परचेज करने चाहिए, सारे को मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगा। और सारे मटेरियल देखने के लिए आप इन तक बने रहिएगा। तो वीडियो जरा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इतने आर्ट मटेरियल है और इन सभी को मैं आपको बढ़िया से रिव्यू करके दिखाऊंगा और सारे के बारे में बढ़िया से बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले आता है पेंसिल और ये जो है ना ड्राइंग को बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ 5 तरीके की पेंसिल है। तो गाइस, पहला आता है मैकेनिकल पेंसिल और दूसरा चारकोल का ब्लैक कलर और चारकोल का वाइट कलर, और फिर आउटलाइन का कुछ ये है पेंसिल जो कि मेरे पास बहुत पुरानी है। और फिर यहाँ पर डोम्स का एक पेंसिल है, वो भी 6 रेट वाली। पहला है HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B जो कि मुझे 50 रुपीज़ के पड़े हैं। तो क्या, जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतने ही पेंसिल हैं। और फिर हम लोग देखते हैं चारकोल से जो कि मुझे 50 रुपीज़ के पड़े हैं। और हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम मेरे पास 3 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो सॉफ्ट है वो पूरा ज़्यादा यूज होती है, इसलिए वो अभी ख़त्म है। मैंने लेटेस्ट ड्राइंग में मैं यूज करा था। तो जैसा कि देख सकते हैं कि गाइस, फिर दूसरा आता है यहाँ पर चारकोल का वाइट कलर जो कि मीडियम है, 3 मीडियम से रेड वाले हैं। वो काफ़ी डिटेलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और फिर आउटलाइन का यहाँ पर आता है पेंसिल जो कि मुझे 60 रुपीज़ का पड़े थे। इसमें बहुत पुरानी पेंसिल हैं, बहुत ही अलग अलग, इसमें सारे तरह की पेंसिल और 2B से 10B तक है। और यहाँ पर फिर डोम्स का आता है जो कि HB से 10B तक है, तो कुछ मुझे 50 रुपीज़ के पड़े थे। और इसमें कुछ इतने से रेट के आते हैं लेकिन इसमें मेरे पास कुछ 6 रेट के ही हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है। तो गाइस, अगला आता है इरेजर जो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक इरेजर है, नीडेबल इरेजर, और ये कुछ मेरे पास पुरानी इरेजर है। और यहाँ पर एक मोनोजूल इरेजर, कुछ इतने ही है मेरे पास। तो गाइस, चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं इलेक्ट्रिक इरेजर से। तो गाइस, इलेक्ट्रिक इरेजर ये इसमें सेल लगाकर इसे यूज किया जाता है। और इसके जो आगे इरेजर होते हैं उसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके फिर उसको हम लोग लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक इरेजर को हम लोग यूज करते हैं। और हाँ गाइस, मैंने इसे काफ़ी आर्टिस्ट और बिगनर्स को देखे यूज करते हुए, इसलिए मैंने इसे परचेज किया और इस डिटेलिंग देने में काफ़ी अच्छा और यूजफुल होता है। तो गाइस, अगला आता है नीडेबल इरेजर को जो कि कुछ इस तरीके से होता है, और इसे जो कि एक क्ले की तरह होता है, बच्चों को जो खेलने के लिए जो क्ले आता है उस तरीके का होता है। इसे हम लोग किसी भी तरह की शेप में करके छोटे छोटे पॉइंट दे सकते हैं या फिर छोटे छोटे जगह हम लोग इसे इरेज कर सकते हैं जो कि कुछ कैसे भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस, जो कि मुझे ये 60 रुपीज़ के पड़े हैं सिंगल एक ये। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसे हो सकता है और इसमें से ये कैसे निकलता है ऐसे करने पर, तो अब डरिए मत, इसे हम लोग फिर वापस ले भी सकते हैं। तो गाइस, फिर अगला आता है हम लोग का कुछ नॉर्मल इरेजर जो कि काफ़ी जगह यूज होता है और फिर बहुत ही पुरानी ये सब है। तो गाइस, ये सब इरेजर को मैं ज़्यादा एरिया को इरेज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ और कुछ नहीं, तो इसके लिए केवल इतना ही। और गाइस, फिर अगला आता है हम लोग का यहाँ पर मोनोजूल इरेजर जो कि काफ़ी अच्छा ड्राइंग, अच्छा रियलिस्टिक बनाने में ये काम आता है, जो कि इससे कुछ लीड होती है इरेजर टाइप पे, वो उसमें लगाया जाता है, फिर कुछ इस तरीके से इसे यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुझे कुछ
275 रुपीज़ का पड़ा है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ था और फिर ये उसका लीड आता है मोनो जीरो लेज़र का, जो कि मुझे 110 रुपीज़ के पड़े हैं और उसमें दो पीसेस आते हैं। लेकिन इसमें तो गाइस अभी एक ही, क्योंकि मैंने एक उसमें लगा रखा है तो कुछ ये। और फिर अगला आता है हम लोग का यहाँ पर पेंसिल्स कलर, जो कि मेरे पास कुछ तीन तरीके के पेंसिल कलर है। तो गाइस पहला आता है यहाँ पर ये डोम्स का पेंसिल कलर था, जो कि ब्लैक और वो ब्राउन था, जो कि बहुत यूज करा है मैंने। इसे मैंने बहुत सारे ड्राइंग करा है लेकिन वीडियो नहीं बनाया। और अगला आता है नेटफ्रॉस का ये 12 शेड वाला पेंसिल कलर, जो कि मुझे 50 रुपीज़ के पड़े थे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगला आता है डोम्स का यहाँ पर कलर पेंसिल, जो कि 24 शेड वाले हैं मेरे पास। और गाइस ये मुझे 100 रुपीज़ के पड़े थे। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे मैंने काफ़ी ड्राइंग करा है, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं रियलिस्टिक ड्राइंग करा मैंने। गाइज ये कलर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और कलर काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अगला आता है यहाँ पर हम लोग का पेपर्स, कि मैं पेपर कौन कौन सा यूज करता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतने ही पेपर है। गाइज पहला आता है स्केच बुक, जो कि मुझे 110 रुपीज़ का पड़ा है, या A5 साइज का है, जिस पर मैं कुछ प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस पर मैंने मैजिक बुक बना के इसे ट्राई भी करा था वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए हम लोग अगला देखते हैं इस एवेंजर वाले कॉपी के बारे में, जो कि मैं ऑनलाइन परचेज किया था। इसमें भी मैं कुछ प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, कि ये वाला मुझे स्केच बुक मुझे 75 रुपीज़ के पड़े थे ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस फिर अगला आता है हम लोग का यहाँ पर 25 सीटेड वाला पेज, जो कि मैं इस वाले पेपर पर बहुत ही ड्राइंग किया हूँ। मेरे सारी वीडियो इसी पेपर पर है और ये पेपर काफ़ी अच्छा है, और इस पर हम लोग वाटर कलर भी कर सकते हैं और कोई भी ड्राइंग या फिर स्केचिंग कर सकते हैं। और फिर गाइस अगला आता है यहाँ पर हम लोग का और डोम्स का ये कॉपी, जो कि मैं इस पर प्रैक्टिस करते रहता हूँ, और उसके नीचे भी कुछ जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस वाले पेपर पर भी मैं कुछ प्रैक्टिस ही कर। फिर गाइस अगला आता है यहाँ पर हम लोग का A3 साइज का पेपर, जिसके बीच में बटर इनवेलप है, और ये मुझे कुछ 200 कुछ रुपीज़ के पड़े थे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में सारे पेपर के बीच में बटर पेपर है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने एक ड्राइंग किया है, वो आपको वीडियो में लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा। ज़्यादा ड्राइंग इस पर नहीं किया है, तो अगर आप कमेंट में बोलना कि आप इस पर ड्राइंग करो तो मैं इस पर ड्राइंग कर दूँगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला आता है हम लोग का कुछ कलरफुल पेन, जो कि मेरे पास 10 सेट है, और ये मुझे कुछ 100 रुपीज़ के पड़े थे, जो कि आप देख सकते हैं कुछ ये 10 है। और फिर जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये फिर कुछ इस तरीके का होता है। इसे मैंने आज तक कभी ड्राइंग नहीं किया, आप कमेंट में बताना अगर आपको चाहिए इस पर ड्राइंग, तो मैं इस पर ड्राइंग बना दूँगा। तो देख सकते हैं ये फिर कुछ इतने ही हैं, और फिर कुछ एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ के पड़े हैं, और इसमें कुछ इतने। तो चलिए फिर भाई हम लोग आता है ब्रश। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतने ब्रश है, और ये जो ब्रश है वो मैं ऑनलाइन परचेज किया था, और ये मुझे 700 रुपीज़ के पड़े थे। और इसके साथ ये एक प्लेट भी आते हैं जिसमें हम लोग कलर मिक्सिंग करते हैं, और इसमें कुछ काफ़ी प्रीमियम ब्रश दिए थे मुझे वो भी। और ये कुछ फ्लैट ब्रश है, मोटा आधे एरिया को करने के लिए यूज करता हूँ उसको भी। और ये जो ब्रश है इसे मैं पेंसिल जो स्केच होता है उसे मैं ब्लेंड करने में यूज करता हूँ, काफ़ी अच्छे से होता है। इसे मैंने घर पर ही बनाया था, नॉर्मल ब्रश थे, और ये सब कुछ पतले ब्रश जो कि बहुत पुराने हैं। तो गाइस ये सब कुछ मुझे 12 यहाँ पर हम लोग को मिले थे, 12 ब्रशेज जो कि पतले हैं मोटे सब है, सबका एक नंबर दो नंबर इस टाइप से आता है गाइस। तो गाइस फिर अगला आता है यहाँ पर हम लोग का, ये मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज किया था। फिर उसके बाद इसमें हम लोग अपने मनपसंद कलर या फिर वाटर भर के इसे फिर हम लोग इस टाइप से कुछ ब्रश के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं इससे मुझे 3 मिले थे, जो कि एक पतले मोटे और उससे मोटे थे। तो गाइस फिर अगला आता है हम लोग का यहाँ पर वाटर कलर। तो
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 वाटर कलर है और एक ये जो कि मुझे 20 रुपीज़ के पड़े थे और ये मुझे कुछ किट में मिले थे और ये मैंने परचेज किया था फाइबर क्रिस्टल का 12 सेंट वाला पोस्टर कलर जो कि मुझे 170 रुपीज़ के पड़े थे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 12 सेंट है और फिर जैसे कि आपको मैं अंदर दिखा दूँ तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ इतने ही है और ये इससे भी मैंने ड्राइंग करा है काफ़ी अच्छा। और फिर अगला आता है गाइस हम लोग का सॉफ्ट पेस्टल जो कि कैमल का है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर अधिकतर कलर ये टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसे मैंने ड्राइंग बहुत अच्छा से किया है। ये मुझे 190 रुपीज़ के पड़े थे जो कि कैमल का है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, इसे भी रियलिस्टिक ड्राइंग बनाया जा सकता है। तो गाइस फिर अगला आता है हम लोग का यहाँ पर स्केच कलर, तो कुछ देख सकते हैं मेरे पास कुछ 3 स्केच कलर हैं। और फिर गाइस यहाँ पर पहला आता है डोम्स का 12 सेंट वाला स्केच कलर जो कि यहाँ पर है कुछ 30 रुपीज़ के। फिर अगला आता है यहाँ पर ब्रश पेन जो कि मैंने परचेज किया था, यहाँ पर 12 सेंट वाले ब्रश पेन काफ़ी अच्छा है, इसे मैंने ड्राइंग भी किया। आप मेरे वीडियो में अगर देखते हो तो देख लिए होंगे, यहाँ पर मुझे ये 200 रुपये का पड़ा था गाइस और मुझे कुछ दिन पहले ही इसे परचेज किया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ब्रश पेन कैसा होता है। फिर गाइस अगला आता है हम लोग का यहाँ पर 12 सेंट वाला, यहाँ पर ये कॉपी का मार्कर जो कि चाइनीज है गाइस, यहाँ पर बगल की दुकान से मैंने लिया था और ये कुछ इस तरीके का आता है, कुछ नंबरिंग किया हुआ उसके ऊपर उसके नाम लिखा हुआ था और इसमें एक तरफ यहाँ पर फ्लैट और एक तरफ यहाँ पर राउंड इसका माउथ होता है गाइस, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपको ज़्यादा एरिया में करना है तो फ्लैट वाला कीजिए, अगर छोटे में पतले पतले तो यहाँ पर मुझे कुछ 425 रुपीज़ के पड़े थे गाइस। फिर यहाँ पर अगला आता है हम लोग कुछ सकुरा का वाइट जेल पेन जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि 3 सेडेड में है मेरे पास, काफ़ी अच्छा होता है गाइज यहाँ पर ये डिटेलिंग देने के लिए, हाईलाइटेड एरिया जगह देने के लिए। और ये है गाइज ब्लेंडिंग टूल जो कि 130 रुपीज़ का पड़ा था मुझे और जो कि मुझे 6 मिला था ब्लेंडिंग टूल जो कि स्केचिंग में ये पेंसिल को ब्लेंड करने में काफ़ी मदद करता है और काफ़ी स्मूथली टेक्सचर देता है ये गाइस, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बिगनर्स आर्टिस्ट इसे, सारे बिगनर आर्टिस्ट यूज ही करते हैं। तो गाइस फिर अगला आता है यहाँ पर हम लोग का प्लेट्स कलरिंग प्लेट जिसे हम लोग 128 रुपीज़ के पड़ा था मुझे, ये ओमेगा का जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रिसेंटली परचेज किया और ये मेरे पास बहुत ही पुराना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी यही दो है मेरे पास और एक मैं पहले भी आपको दिखाया था मैंने जो ब्रश में मिला था। गाइस ये फिर आता है क्योंकि एग्जाम पैड है जिसके ऊपर मैं कुछ पेपर रख के फिर उसके बाद पिन लगा के मैं कुछ इसके ऊपर ड्राइंग करता हूँ, तो इस तरीके से गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसे काफ़ी अच्छा कलरिंग करने में इजी होता है और इसे मैं 2-3 ड्राइंग से मैं इसे लगातार यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो में देखे भी होंगे। और मैं इसे चारों तरफ टेपिंग भी कर देता हूँ अगर मुझे लाइनिंग वाला ड्राइंग करना होता है। तो फिर गाइस जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास टेप है गाइस ये 2, एक है मेरे पास कंगारू का कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट टेप और ये मेरे पास कुछ सेलो टेप जो कि फर्नीचर वगैरह में काम आते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे है, आर्टिस्ट और बिगनर यूज़ करते हैं इसे। और इसे जो है वाटर कलर में भी यूज करते हैं और इसे मैं कोई किस्म में भी कर सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छा है गाइस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर आता है हम लोग का ऑयल पेस्टल मोम कलर वैक्स कलर ये सब मेरे पास पहला आता है गाइस, ये बहुत पुरानी मेरे पास ऑयल पेस्टल कलर है। फिर उसके बाद यहाँ पर वैक्स के जो है जो कि मुझे 25 रुपीज़ के पड़े हैं, इसे मैंने कभी ड्राइंग नहीं किया है, अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसे यूज करूँगा अगले वीडियो में। और फिर अगला आता है गाइस प्लास्टिक रोम्स का प्लास्टिक क्रेयन जो कि 12 सेंट का है, इससे मैंने ड्राइंग किया है और इस काफ़ी अच्छे कलर है और ये मुझे 50 रुपीज़ के पड़े हैं। और गाइस इसमें एक दिक्कत ये है कि ये कलर जो है बहुत ही यूज़ करते करते टूट जाते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे मेरे हल्क वाले वीडियो में कि मैं ये कुछ ग्रीन ब्लैक और लाइट ग्रीन और येलो वाला कलर यूज किया था, वही सब कलर टूटा हुआ है, मैंने उसी सबको केवल यूज किया था। तो गाइस फिर अगला आता है यहाँ पर 12 सेंट वाला ऑयल पेस्टल डोम्स का, तो ये मैंने कुछ रिसेंटली बाय किया था और इसे मैंने ड्राइंग किया है काफ़ी रियलिस्टिक। तो गाइस जैसे कि आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस ये काफ़ी अच्छा है, इसे काफ़ी बिगनर्स आर्टिस्ट यूज़ करते हैं।
और गाइस ये मुझे कुछ 35 रुपीज़ के पड़े हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतने 4 मून्स कलर ऑल पेस्टो मैक्स वीडियो है कुछ। तो गाइस चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का यहाँ पर कुछ टिशू पेपर। तो देखते हैं हम लोग टिशू पेपर जो गाइस है पेंसिल को स्मूथली टेक्सचर देने में काफ़ी यूजफुल होता है गाइस। तो चलिए हम लोग उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सैंड पेपर जो कि मैंने घर में ही बनाया था, होममेड है गाइस। ये फिर ये जो पेपर है किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगा। और फिर गाइस अगला आता है हम लोग का यहाँ पर ईयरबड्स जो कि 10 रुपीज़ के मुझे 100 पीस मिले थे। ये भी गाइस पेंसिल को स्मूथली शेडिंग टेक्सचर देने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है गाइस, इसलिए मैंने इसे परचेज किया था लेकिन आज तक कभी यूज नहीं करा है। तो इसे अगले वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं गाइस। ये मेरे पास एक बैग है जो कि इसमें मेरे काफ़ी सारे सामान रहते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ मार्कर्स वगैरह हैं, एक स्टेपलर है और कुछ इस तरीके के कुछ फेविक्विक। और आप सोच रहे हो गाइस कि इसमें एक स्विच क्यों है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बगल में देख सकते हैं कि मैं कुछ स्विच का इस तरह से यूज करता हूं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या है। कुछ इसी तरह से इसमें कटर है और फिर इसी में और कुछ कुछ छोटे मोटे सामान मैं इसमें रखता हूँ जैसा कि परमानेंट मार्कर और फिर छोटे मोटे पेंसिल या फिर पुरानी ब्रश। इस टाइप से मैं इसमें बहुत सारे सामान रखता हूँ। तो कुछ चलिए आगे देखते हैं। ये है फिक्स टिप गाइस। इस फिक्स टिप का ड्राइंग से बहुत ड्राइंग को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कुछ इसे हम लोग ड्राइंग जब कंप्लीट हो जाता है तब इसे हम लोग इसके ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि हम लोग का ड्राइंग ख़राब ना हो। ये 200 ml का जो कि मुझे 250 रुपीज़ के पड़े हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं और इसे हम लोग फायर से बचाया जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है गाइस। इसको ये चारकोल के लिए होता है गाइस और पेंसिल के लिए और पिस्टल के लिए होता है। और इसे काफ़ी आर्टिस्ट और काफ़ी बिगनर्स भी यूज करते हैं। और फाइन का है गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये फिक्सेटिव काफ़ी अच्छा है गाइस। तो कुल मिला के मेरे पास कुछ इतने ही है गाइस। और मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि मेरे पास जितने भी आर्ट मटेरियल है वो सारे सस्ते ही हैं। और फिर आपको अगर बाय करना है तो मैं इन सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे बाय कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और आपको कौन सा आर्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपके पास कौन सा आर्ट मटेरियल है, अगर आप आर्टिस्ट हो तो कौन सा आर्ट मटेरियल यूज करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।